तो दोस्तों स्पोर्ट्स सियारी से अलग होके मनोज डिमरी और धीरज सिंह तो आज तक से जुड़ गए हैं, लेकिन मनोज डिमरी, धीरज और रोहित जुगलार ने इस चैनल को यानी कि स्पोर्ट्स सियारी को क्यों छोड़ा वो इन्होंने अपने अलग अलग लाइव वीडियो में बताया है कि आखिर क्या कारण रहा है कि उन्होंने स्पोर्ट्स सियारी को छोड़ दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं धीरज की। तो दोस्तों जो धीरज सिंह है उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने स्पोर्ट्स सियारी को क्यों छोड़ा है अपने एक लाइव वीडियो में, यानी कि उनका एक चैनल है और उस चैनल पर उन्होंने लाइव में एक चैट लेते हुए ये बताया कि उन्होंने स्पोर्ट्स सियारी को क्यों छोड़ा है। धीरज सिंह ने कहा कि कुछ चीज़ें जो है वो टाइम के साथ बतानी पड़ती है, अभी टाइम नहीं है तो हम आपको नहीं बता सकते हैं कि हमने स्पोर्ट्स सियारी को क्यों छोड़ा। लेकिन धीरज ने ये जरूर बताया लालच बुरी बला है, यानी कि उन्होंने बताया कि बचपन में हमें सिखाया हुआ है कि लालच करना सबसे बुरी बला है और वही कारण है दोस्तों कि हो सकता है कि स्पोर्ट्स सियारी के जो ओनर है आप जानते हैं सुशांत मेहता, उन्होंने पता नहीं कौन सी लालच वाली बात कह दी होगी या उन्होंने ऐसा एक्ट कर लिया होगा जिसके कारण मनोज डिमरी और उनके साथ धीरज और रोहित जुगलान तीनों चारों के साथ साथ आप जानती हैं जो तीन एंकर और थे वो भी चले गए हैं और स्पोर्ट्स आवर से जुड़ चुके हैं। और सुशांत मेहता ने तो अपने लाइव वीडियो में कहा है कि उन्होंने तो उनको निकाला ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो तो अपनी खुद की इच्छा से गए हैं। अब सारी चीज़ें को हम देखते हैं कि लाइव आप जानते हैं कि रोहित जुगलान की टीम ने भी स्पोर्ट्स आवर्स पे लाइव किया था और उन्होंने बताया कि सही टाइम आएगा तो वो भी बताएंगे कि आखिर एक साथ 7-8 बंदे कैसे निकल गए। एक बंदा तो निकल सकता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है ना, तभी तो एक साथ 7-8 लोग जो है एक बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़ के निकले हैं वहाँ से। तो दोस्तों इसके पीछे कोई ना कोई कारण सुशांत मेहता की तरफ से ही हो सकता है क्योंकि उन्होंने ही इन सारे एंकरों को निकाल दिया होगा। तो दोस्तों ये बातें जो है हमें लगता है टाइम के साथ पता लगेगी, क्लियर होगी। तो अभी फ़िलहाल यही न्यूज़ मैंने आपको देनी है। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।